ग्वालियर में पेट्रोल पंप के तीन कर्मचारियों के साथ गुंडागर्दी कर आधा दर्जन बदमाशों ने बेरहमी से मारपीट की और पेट्रोल पंप के रखी नकदी लूट कर फरार हो गया। घटना डबरा देहात थाना क्षेत्र के भीतरवार रोड स्थित पेट्रोल पंप की है। मारपीट का शिकार हुए तीन युवकों में से एक युवक घायल है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराए। वहीं पुलिस ने गुंडागर्दी करने वाले बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल डबरा देहात थाना क्षेत्र के भीतरवार रोड पर अन्नपूर्णा फिलिंग स्टेशन है। बीती रात आधा दर्जन के लगभग बदमाश दो बाइकों पर सवार होकर पहुंचे। पेट्रोल पंप पर उस दिन दीपू चौहान, कमल सिंह चौहान और सोनू वाल्मीकि कार्य कर रहे थे। सोनू समय पुड़िया लेने पंप के बाहर दुकान पर गया था, तभी उसे मारपीट की आवाज आई तो वहां दौड़कर बचाने के लिए पहुंचा, जहां छह बदमाश युवक गाली गलौज कर रहे थे। जब उन तीनों ने गाली देने का विरोध किया तो उन तीनों युवकों की बदमाशों ने बेरहमी से लात घूसों और बेल्टों से मारपीट कर दी और पेट्रोल पंप में रखे नकद 10,000 रुपए छीन कर फरार हो गए। बदमाशों के द्वारा मारपीट के शिकार हुए युवकों ने इसकी सूचना पुलिस और पेट्रोल पंप मालिक को दी। घटना का पता चलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, जहां पुलिस घायलों को डबरा सिविल अस्पताल लेकर पहुंची। कमल सिंह की गंभीर हालत को देखते हुए उसे ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। डबरा में एक अन्नपूर्णा पेट्रोल पंप के सामने उनके कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। उसमें जो है दिन में कुछ लोग पेट्रोल पंप पर आए थे, वो सिगरेट पी रहे थे, तो उनसे कर्मचारियों ने मना करा। इस बात पर से जो है उनने जो है उनको पेट्रोल पंप के बाहर पकड़कर उनके साथ में मारपीट व अन्य घटना घटित की है। इस संबंध में थाना प्रभारी डबरा देहात द्वारा तस्दीक कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कौन सा आरोपी है, क्या कुछ आरोपियों को वो जानते हैं, उनकी शिनाख्त हुई है और उनके विरुद्ध उनके जांच पर से जो है अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।